मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। भाई रात को कोटा में सो गए थे, अभी आए इधर। अभी मतलब सुबह आ गए थे 6 बजे, अभी उठे 9:30 बजे इधर नींद में से। इधर का मौसम इतना ठंडा है भाई, अभी तक कोहरा भी नहीं गया। इधर का पार्टी बोल रही है, अभी आएंगे अनलोडिंग करने के लिए। इधर का एक बार मौसम देखो भाई। मौसम तो बहुत बढ़िया है भाई, अभी देखते हैं गाड़ी कितने बजे अनलोडिंग होता है। गाड़ी अगर जल्दी अनलोडिंग हुआ तो अपने को लोडिंग भी मिलने वाला है आज ही। जैसा अनलोडिंग होता है वैसा लोडिंग के लिए भी चले जाएंगे। दिखाते आगे आपको अनलोडिंग के वक्त। पापा गए थे चाय पीने के लिए, मैं तो अभी नींद में से उठा हूँ। वारे पापा, पापा जल्दी उठ गए थे, मैं अभी नींद में सोता हूँ। देखते आगे अगर जल्दी अनलोडिंग होता है तो फिर लोडिंग भी करवा लेंगे आज ही। तो मिलते भाई आपको दोस्तों। 10:30 बज गए, गाड़ी अपना हो गए अनलोडिंग का स्टार्ट। मतलब अनलोडिंग एक जगह पे नहीं, अपना पूरा गांव में घूमना पड़ रहा है। ऐसे छोटे छोटे दुकान है इधर, किराना दुकान, उनके ऊपर किधर 10 बोरी किधर 15 बोरी ऐसे खाली कर रहे हैं। अपन तो गाड़ी में ही बैठे, गाड़ी भी अपना स्टार्ट है। 10 बोरी उतरा आगे निकलो, 10 बोरी उतरा आगे निकलो। फाइनली जब 200-300 कट्टे रहेंगे तब अपना एक ही जगह पे हो जाएगा गाड़ी खाली। देखते भाई और कितने जगह। पीछे तो 3 जगह पे रुकाई थी ये गाड़ी, 3 जगह पे उतरा है बोरी। अभी ये 4th जगह पे आए अपन, और कितने जगह पे। ये तो गांव के बीच में इतना इतना ही रोड है इधर। देखते आगे और कितने जगह पे रुके थे, जब फाइनल जगह पे रुकेंगे तब दिखाएंगे आपको अनलोडिंग। भाई 10-12 दुकान घूमने के बाद आए अपन इनके गोदाम पे। इनका गोदाम दिखाते आपको, मैं पहले गाड़ी लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको गोदाम। भाई अपने गाड़ी से लग गया इधर जाम, लेकिन अपने को इधर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इधर ड्राइवर को कोई कुछ नहीं बोलता है भाई। ड्राइवर का एक अलग ही इधर मतलब इज्जत करते है लोग, कोई मतलब आरे तुरे भी बात नहीं करते है, सब इज्जत से बात करते हैं, सब उस्ताद ही बोलते हैं भाई। अपना गाड़ी बीच में ही रोड पे खड़ा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं। अपने को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे भी तो पार्टी को ही बोलेंगे सेट गाड़ी निकालो ये करो, अपने को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। देखते हैं इसका गोदाम भी ऐसे जगह पे भैया बस स्टैंड के ऊपर है। देखो है शीशे में पूरा बस खड़ा है, वो बस के अंदर से जाना है अपने को, बस स्टैंड के अंदर उसका गोदाम है। अब वो जब तक बस निकलता नहीं तब तक अपना गाड़ी जाएगा नहीं। देखते बस कब निकलता है, उसके बाद डालेंगे अंदर। 2-3 छल्ली बाकी है, मिलते हैं। दोस्तों 3:30 बज गए, अभी वो अपना गाड़ी अनलोडिंग करके आए इधर कोटा बाईपास पर। ये कोटा बाईपास, यहाँ से राइट टर्न लोगे तो जाएंगे कोटा। इधर है झालावाड़, अपने को इधर ही जाना है लोडिंग के लिए, झालावाड़ साइड में DOC लोडिंग करने के लिए। तो अपना लोडिंग तो रात में कंफर्म हुआ था, गाड़ी अपना हो गया था थोड़ा लेट। तो भाई अभी वो आएंगे ट्रांसपोर्टर बिल्टी लेके, अपने को इधर ही बिल्टी दे देंगे, इधर से निकल जाएंगे अपन लोडिंग के लिए। तो अपने को हैदराबाद का लोडिंग मिला है भाई,
और वो गाड़ी तो 12 में अनलोडिंग होकर उधर से ही लोडिंग मिल गया उसको, वो जाएगा हनुमान जंक्शन अपने से आगे 250 किलोमीटर। देखते हैं अगर अपना जल्दी लोडिंग होता है तो फिर मिल जाएंगे उसको, फिर इकट्ठे ही निकलेंगे आगे, तब तक लिए देखते हैं। फिर ये आएंगे अभी बिल्टी लेके ट्रांसपोर्टर, तो अपना भी आज हो जाएगा शाम तक लोडिंग। देखते हैं अगर शाम तक लोडिंग हुआ तो आज ही निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कल सुबह निकल जाएंगे। दिक्कत है भाई आपको आगे कंपनी में जाने के बाद। भाई शाम के बज रहे 5, अपन आ गए अभी कंपनी के पास लोडिंग, जहाँ से उठाएंगे वहाँ पर। तिरपाल रास्ता खोल दिया पूरा, पीछे से भी पूरा साफ वेप कर लिया। अभी आएंगे अपना नंबर तो जाएंगे अंदर लोडिंग करने के लिए। अंदर से भी पूरा क्लीन कर दिया गाड़ी को, ऊपर का जाला वेला जो बांधा था सब खोलना पड़ा भाई, क्योंकि एक एक बोरी ऊपर जाता है एडीओसी का। देखते हैं भाई कितने बजे बुलाते हैं अपने को अंदर, बोल रहे हैं आधे घंटा लगेगा। अंदर जाने के बाद दिखाएंगे आपको डीओसी का लोडिंग। तो दोस्तों 6:30 बज गए थे, अभी अपने को पता चला कि अपना गाड़ी आज तो लोडिंग नहीं होगा, सुबह लोडिंग होगा शायद। अपना जो माल उठाना है वो माल इधर तैयार नहीं है, इधर क्या खाने का कुछ व्यवस्था नहीं तो गाड़ी में ही बना रहे भाई। आज के रेसिपी में बैंगन बटाटा, पप्पा जी की चालू तैयारी बनाने की। ये बैंगन बटाटा क्या भाई, गाड़ी में अच्छा बना के खाएंगे यही, ठीक है। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी में ही बना रहे, मिलते खाना बनाने के बाद फिर आपको। आज तो क्या अपना दिन गया ऐसे ही, ऐसे आज अनलोडिंग हो गया था, लोडिंग मिल जाता तो ठीक ही हो जाते, एक दिन बच जाता अपना, लेकिन अपने तकदीर में नहीं था आज लोडिंग करना, तो नहीं हुआ भाई। देखते हैं सुबह जल्दी होगा लोडिंग तो निकल जाएंगे फिर कल, मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। A few moments later. तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, अभी हो गया अपना खाना। मैं अभी सोने की तैयारी चल रही है क्योंकि गाड़ी तो अपना कुछ लोडिंग हुआ नहीं। अभी ट्रांसपोर्टर का भी कॉल आया था, बोल रहा है कि सुबह जल्द से जल्द लोडिंग करवा देंगे 10 या 11 बजे। देखते हैं जल्दी अगर लोडिंग होता है तो सुबह ही निकल जाएंगे, मतलब अपना भी आगे का सफ़र अच्छा कटेगा, मतलब ज़्यादा रूट भी निकल जाएंगे। क्या रात में फिर MP में आगे चोरी मारी भी होता है, तो जल्दी लोडिंग हुआ तो जल्दी निकल जाएगा गाड़ी अपना। आज तो क्या इधर ही होल्ड है अपना, तो करते आराम भाई, और ब्लॉग भी अपने इधर ही ख़त्म करते, कल दिखाएंगे आपको नए ब्लॉग में लोडिंग और आगे का सफ़र। हैदराबाद का लोडिंग है अपना, अपन नागपुर होते हुए जाएंगे तो वो भी रूट दिखाएंगे आपको पूरा भाई। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट बाय। और भाई अपना आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों।